रायपुर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर बीजेपी ने गांधी संकल्प पदयात्रा का शुभारंभ किया। सांसद सुनील सोनी ने राजधानी के आनंद समाज लाइब्रेरी से पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा के पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के बीजेपी सांसदों को पदयात्रा करने को कहा है। इस दौरान चौक चौराहों में रुक रुक कर वन टाइम यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने का आह्वान भी किया गया। महात्मा गांधी जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है, कोई पैदल मार्च कर रहे हैं, तो कई उनके सिद्धांतों पे चर्चा करके उन पे बातों करके उपवास रखे हुए हैं। इस वक्त बीजेपी जो है रैली निकाली हुई है। इस वक्त हमारे साथ सांसद महोदय हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज आप रैली निकाले हैं, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर है, क्या उद्देश्य है इसका? आज 2 अक्टूबर से हम संकल्प यात्रा में आ रही है। देश के प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र भाई मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी, सबका निर्देश है सब पद यात्रा करें और उसी के तहत आज रायपुर के अंदर एक स्वच्छ रायपुर हो, इससे स्वस्थ नागरिकों की फौज खड़ी होगी। वन टाइम यूज प्लास्टिक समाप्त होना चाहिए, ये आज हमने भी संकल्प लिया, ये लोगों के बीच भी एक वातावरण बना रहे हैं और ये आने वाले समय में हम झोले, कपड़े के झोले बांटेंगे और जो हमारे चाय वाले भाई हैं उनको कागज के कप, इसका विकल्प बताएंगे। बाकी जो है आने वाले समय के अंदर में रायपुर का नाम बढ़े, अपने क्षेत्र का नाम बढ़े। कांग्रेस कह रही है कि आप गांधी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, गांधी जी ने तो कहा था देश आजाद हो गया, कांग्रेस खत्म कर दो। भाई, गांधी जी की बात नहीं मानने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा सा अंतरात्मा में झांक कर अगर देखेंगे तो ये आरोप बंद हो जाएगा। ये गांधी जी के सिद्धांत का बात करने वाले कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ सरकार शराब दुकान लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? गांधी जी ने कहा था नशा मुक्त देश होना चाहिए और मैं तो भूपेश जी से कहता हूँ, अरे आपके विदेश अफसर 2 दिन का जो बुलाया गया उसको किस तरह देखते हैं? अच्छी बात है। अपने को सकार कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आज के दिन जी ने और आज के दिन ही वन टाइम प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने की बात कही। आज जन जागरण के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं कि वन टाइम प्लास्टिक का उपयोग ना करें। इसको जिस प्रकार से स्वच्छता को लेकर पूरे देश में अभियान चला था, आज प्लास्टिक को लेकर भी आज जन जागरण का अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि आप बोर्डे पर पूछने वाले गांधी को पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, गांधी जी को पूछ रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है, गांधी जी को पूछ रहे हैं तो दर्द हो रहा है। हम जब देख रहे हैं सड़कों में अपार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे निकल गए, आज गांधी जी की जयंती मना रहे, धूमधाम से मना रहे। यहाँ 2 अक्टूबर है वो गांधी जी की जयंती है, अनर्गल बातें वो लोग कर रहे हैं जिसको जनता कभी माफ नहीं करी। इससे पहले कभी बीजेपी ने इस तरह से यात्रा नहीं की, इतना धूमधाम से नहीं बनाया, इस बार बनाने का क्या कारण है? ये स्वच्छता अभियान का भी जो प्रारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर को ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस 2 अक्टूबर से ही प्रारंभ किया था और 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान और पूरे देश के लोगों ने हाथों हाथ लिया और देश से सफाई गई। आने वाले समय में कांग्रेस को भी लोग सफाई करने वाले हैं। तो अभी आपने सुना उन बीजेपी नेताओं का जिनका कहना है कि गांधी जी किसी एक का नहीं है, गांधी जी हमारे देश को आजादी कब दिलाने वाले वो व्यक्ति हैं जिनके सिद्धांत को फॉलो करके आज उनके जन्मदिन के अवसर पर, उनके 150 जयंती के अवसर पर ये यात्रा निकाली गई है, जो पूरे रायपुर की भ्रमण करते हुए लास्ट में उनके उपदेशक का वाचन करते हुए इस यात्रा का समापन किया जाएगा। रायपुर से कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत।